मछलियां जिन्हें देखकर शाकाहारी लोग मुंह फेर लेते हैं और मांसाहारी लोगों की लार टपकने लगती है। शाकाहारी लोग इनको देखकर ये कहते हैं कि इनकी किस तरीके से जान ली जा रही है, तो वहीं मांसाहारी लोग ये हवाला देते हैं कि इन जानों की वजह से कितनी और जानें बच रही हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े फिश मार्केट क्रॉफोर्ड फिश मार्केट में हैं। ये बड़ी बड़ी सी मछलियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, तो इस मार्केट के बारे में जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या इस मार्केट की खासियत है। क्या नाम आपका? क्या आपका क्या नाम है? सोपोन मंडल। सोपोन जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल से हैं सोपोन जी? झारखंड से। झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये बताइए, इस मार्केट को क्या क्रॉफोर्ड मार्केट ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं? क्रॉफोर्ड मार्केट कहते हैं। क्रॉफोर्ड मार्केट कितने बजे से लगना शुरू हो जाता है? ये 4 बजे से। अच्छा, 3-4 बजे से दिन के शुरू होता है और लगभग 9 बजे 9-10 बजे 9-10 बजे खत्म होता है। इन मछलियों के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, ये कौन सी प्रजाति है, ये कौन सी है, वो कौन सी है? ये टोल है, ये करली है, ये रावस है, ये कुलमी है, ये झींगा, झींगा भी कहते हैं इसे। इसको झींगा कहते हैं, बगड़ा कहते हैं। बगड़ा कहते हैं। और इन सब में महंगी कौन सी है सबसे ज्यादा? भाई हलवा है, दिखा दीजिएगा थोड़ा खोल के। सुरमा। अच्छा, हलवा कौन सी है? हलवा सुरमई है। वो सुरमई है। हलवा कौन सा है? नीचे है। अच्छा, ये हलवा है, ये हलवा। अच्छा, ये कैसा बिकता है? 400 रुपए होलसेल में? होलसेलर 600 एकदम। होलसेल 600? फिर फुटकर में तो और महंगा जाता होगा। बहुत महंगा। और सबसे महंगी मछली कौन सी है? पॉपलेट है या कोई और है? पॉपलेट ही है। सबसे पॉपलेट महंगी। पॉपलेट कैसा बिकता है? उसको 1500-2000 होलसेल में, फुटकर में? होलसेल में। होलसेल में 1500-2000। फिर फुटकर में आदमी को कितनी पड़ती होगी? जोड़ी के हिसाब से लेता है, 2000-3000 का। 2-3 हजार का जाता है। तो ये देखिए कितनी सारी मछलियां हैं, ये झींगा मछली हुई। बताइए, सबके जाल अलग अलग होते होंगे? सबका अलग अलग। अच्छा, तो मतलब एक दिन पहले पकड़ते हैं, उसके बाद इस मार्केट में लेके आते हैं, ऐसा होता है? वैसा ही है। तो आप लोग खुद भी पकड़ते हैं या किसी जो पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं उनसे लेते हैं? पकड़ने वाला अलग रहता है, वो पकड़ने वाला अलग रहता है। हम लोग पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग बेच रहे? अच्छा, ये पॉपलेट है? ये पॉपलेट नहीं है। पॉपलेट नहीं रखे हैं आप? चांद पॉपलेट। अच्छा, तो चलिए वहाँ भी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ पर भी जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा, आपको क्या नाम है आपका? अरे हमको क्या पता। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप मंदेली मछली। ये कौन सी है? मंदेली। मंदेली नीचे नीचे रखेंगे थोड़ा आप? हाँ, देखिए ना। अच्छा, ये लीजिए, ये मंदेली मछली है, थोड़ा खोल के दिखा दीजिएगा। ये फ्राई खाने के लिए सबसे सुपर मच्छी हुआ। सुपर मच्छी? अच्छा, तल के खाना होता है इसे? फ्राई तल्ले में सबसे अच्छी होती है। अच्छी फ्राई। प्राइस कैसा होता है इसका, कितने रुपए किलो जाती है ये? 1 किलो नहीं, बाटा से 100 का बाटा 100 का बाटा। बाटा की क्या मतलब होता है? अच्छा अच्छा, बना लेते हैं आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 रुपया में? अच्छा, 100 रुपए में इतना सा आएगा? ओ इतना सा आएगा 100 रुपया। ये गहरे समुद्र में मिलती है कि उथले समुद्र में मिल जाती है? ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है इसके लिए? कम गहराई में मिलती है? वो बोट वाला किधर से पकड़ कर लाता है? अच्छा, आप बोट वालों से खरीदते? ये कौन सी है? ये डोमा है। डोमा, डोमा कहते हैं ऐसे। ये भी कितने रुपए किलो जाती होगी? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। ये बताइएगा सबसे टेस्टी मछली, चूंकि हम तो मांसाहारी है नहीं शाकाहारी है, तो ये बताइएगा सबसे टेस्टी मछली कौन सी होती है? सबसे सबसे पापलेट। पापलेट होती है अंकल जी? अच्छा, हलवा भी? हाँ, गरीबी के लिए ये वाला टेस्टिंग हुआ। गरीब के लिए ये वाला टेस्टी होता है? 20-50 रुपए के भी ले लिया। पापलेट तो बहुत महंगा आता है। पापलेट बहुत महंगा आता है। तो पापलेट क्यों महंगा होता है? क्या गहराई में जाके पकड़ते हैं या कम मिलती है, क्यों महंगी होती है? वो टेस्टिंग वाला मछली ज्यादा है, टेस्टी ज्यादा है, इसमें कांटे कम होते, सब लोग खाते हैं। वो लोग पैसे वाला खरीदता है, पैसा वाला खरीद। आप कहाँ? बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं। तो आप भी पकड़ते हैं, बेचते हैं मछली? हम लोग खरीद के बेचते हैं। खरीद के बेचते हैं आप? बढ़िया। तो ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आप देखेंगे फिर जाती हुई हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के व्यापारी है कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है। भैया कौन सी प्रजाति है जो काट रहे हैं आप? ये सुरमई है। ये सुरमई कहते हैं इसे। कितने रुपए किलो बिकती है? लगभग 600 रुपए किलो जाती है। और ये देख पाएंगे आप ये मछलियाँ जो आई थिंक पॉपुलेट है, ये
ये देखिए पॉपलेट को किस तरीके से बर्फ में सुरक्षित करके रखा गया है। आप यहीं से बिलोंग करते हैं, व्यापारी हैं, ये बताइएगा जो बहुत सारे गत्ते दिख रहे हैं तो ये अलग अलग मछुआरे अलग अलग जगह से पकड़ के लाते हैं क्या करते हैं? नहीं नहीं आता तो एक ही जगह से ऐसा। अच्छा, अगर जो फिश रहता है वो अलग अलग क्वालिटी का रहता है। अच्छा, अलग अलग। और ये आइस लगा के ये सुरक्षित रखी जाती है? आइस लगा के, बगैर आइस के जो सड़ जाएंगे वो, उसको जो सुरक्षित करने के लिए जो है आइस लगाया जाता है। और लगभग जो लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, मछलियाँ लेकर कितने बजे यहाँ पर आ जाते हैं? और फिर क्या रोज करो जितना माल आता है वो सब खपत हो जाती है, बिक जाता है? समझो जो मार्केट का ओपनिंग टाइम है वो 1 से 1.5 बजे का है सुबह में। अच्छा, 1 से 1.5 ओपन हो जाता है सुबह के समय? सुबह में। और उसके बाद फिर ये 9-10 बजे तक चालू रहता है, और तो सभी लोग बस उसी टाइम में ट्रेड करते हैं यहाँ पर, बस वही है। और डेली माल आता ही रहता है, और डेली के डेली बिक भी जाता है? डेली बिकता भी है, कस्टमर बहुत है ना। और आउट ऑफ स्टेट से भी माल आता है, खाली मुंबई से ही नहीं। अच्छा, अदर स्टेट से भी माल आता है वाया ज्यादातर। अगर देखा जाए, बात करें तो सबसे ज्यादा मुंबई को छोड़ के बाकी स्टेट सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? ये कोलकाता और आंध्र केरला, वो साइड से ज्यादा माल आता है। और कितने स्टेट से? 3 स्टेट तो आपने गिनवा दिए, लगभग 4-5 स्टेट से तो आता ही है। 4-5 स्टेटों से आता है। बढ़िया। और हमने सुना है ग्रोफूड मार्केट मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट, तो क्या सच्चाई है? ये सबसे बड़ा मार्केट है? ये सबसे बड़ा मार्केट है मुंबई का, सबसे बड़ा मार्केट। कितने बिजनेसमैन, लगभग कितने व्यापारी होंगे लगभग यहाँ पे? एक्चुअली मुझे कोई इतना आइडिया तो है नहीं, ये नहीं बता सकता, लेकिन समथिंग 100+ होंगे। 100+। आप अपना नाम और एक बार ऑडियंस को बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल जी, इकबाल जी, अंदर भी क्या होलसेल जो मार्केट है तो किसी एक व्यक्ति का है या सब लोग वहाँ पर आके ट्रेड करते हैं? नहीं नहीं, वहाँ पे जो प्लॉट वगैरह है जहाँ पे माल बिकता है वो जो प्लेसेस है वो तो खुद ऑनर है उस चीज के। अच्छा। बाकी जो पूरा जो ऑथोराइज है वो BMC के अंडर आता है। अच्छा, BMC जो ब्रिन मुंबई कॉर्पोरेशन है उसके अंडर आता है, लेकिन उसके थ्रू जो है व्यापारी लोगों, जो ट्रेडर्स है, उनको जो है प्लॉट जो है अलॉट किए हुए हैं। इकबाल जी, ये चीज और पूछना चाहेंगे हम आपसे, लोगों से जब हमने बात करी सबसे टेस्टी मछली कौन सी, सबसे महंगी मछली कौन है, तो सबने पॉपलेट का नाम लिया। ठीक है, पॉपलेट ही है, इससे महंगी भी कोई और मछली होती है? नहीं, एक्चुअली वैसे तो सही है, पॉपलेट ही काफी कॉस्टली है, साइज के ऊपर है, तो छोटा बड़ा साइज रहता है इसमें, तो काफी कॉस्टली मछली पॉपलेट ही है और टेस्टी भी है, तो इसलिए सेल भी ज्यादा इसी का है, पॉपलेट का ही। अच्छा जी, तो प्राइस लगभग 1500 से 2000 जाता है उसका? उसका ज्यादा है, जो बड़ा साइज होता है, जो सुपर होता है 500+, तो उसका जो है आती भी कम होती, क्वांटिटी भी उसकी मार्केट में कम आती होगी। हाँ, क्वांटिटी कम है तभी तो प्राइस ज्यादा है। हाँ, क्वांटिटी कम है इस वजह से प्राइस ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मछली आती है? बस वो तो डिपेंड करता है फिशिंग के ऊपर। अच्छा, ओन एन एवरेज देखा जाएगा तो कौन सी प्रजाति होगी, वैरायटी मछली होगी जो सबसे ज्यादा मार्केट में आती है? सीजनली तो पापलेट, सुरमई, रावस, ये सब ज्यादा आता है। लगभग कितने किलो की मछली है यहाँ पर हाईएस्ट आती होंगी? हाईएस्ट तो यहाँ पे जो है ये आप 100+ भी आता है। अच्छा, तो क्या अंदर पॉसिबल है कि इतनी बड़ी मछली देखने को मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू इकबाल जी हमसे बात करने के लिए, और हम चलते हैं अंदर जाके, अंदर चलिए, अंदर चलते हैं, अंदर जाके बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको दिखाते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अच्छा, तो ये देखिए बर्फ में मछलियाँ लगाई जा रही है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे काका, कहाँ लेके जाएंगे? ये बेचने के लिए लेके जाएंगे। तो ट्रेन में ही ले जाते हैं या गाड़ियों में भर के ले जाते हैं? नहीं, टैक्सियों में जाते हैं। ट्रेन से बेचकर आते हैं। तो देखते जाइएगा किस तरीके से बर्फ जो है, बर्फ में मछलियाँ लगाइएगा का थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से मछलियाँ। अच्छा, नीचे भी बर्फ, फिर मछली, फिर बर्फ, फिर मछली, हाँ, ताकि खराब ना हो मछली। खराब ना हो, बहुत बढ़िया, ताकि ग्राहक को खाने पे अच्छा लगे, ग्राहक को खाने में अच्छा लगे, ताजी मछलियाँ, ताजी पहुँचे, खराब ना हो, बासी ना हो, बासी ना हो। हाँ, तो चलिए और अंदर चलते हैं, और अंदर चल के आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो दिखाते हैं। आपसे आगे बाद में बात करते हैं, और आपसे देखते हैं आगे चाकू में धार कैसे लगाई जाती है, या अभी लगा के दिखा सकते हैं आप? थोड़ा दिखा दीजिए मछली, धार कैसे लगाते हैं इनमें? पेशे से पत्रकार हैं हम, और नाम और एक बार बता दीजिएगा आप, क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद जी, क्या बात है। देखिए यार मोहम्मद जी है, और ये हमें बताएंगे किस तरीके से धार जो है चाकुओं में लगाई जाती है। ये देखिए कमाल है। अच्छा, ये आग जो है लगती नहीं है? अगर
कपड़ों में छेद। ये देखिए साइकिल का जो, अच्छा धार हो गई इसमें, धार हो गई। अच्छा कितने देर में लगभग, जैसे एक चाकू हो गया, ये छुरा हो गया, कितने देर में धार लग जाती होगी? पाँच मिनट में दो निपटा देते हैं। और ये खुद ही बनाया है जो आप चला रहे हैं, या मशीन मिलती है बाजारों में? नहीं, बनाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, पहले ये पैडल है, और पैडल से ये चेन लगी हुई है, और चेन पर ये किसका बना है? ये लोहे का है या पत्थर का है? कानस का है। किसका है? कानस का है। कानस, कानस क्या होता है, कोई बताएगा? फाइल। थोड़ा घिसते हैं जिस पे। अच्छा, थोड़ा रुकाएंगे आप, थोड़ा देखना चाहेंगे हम कि आखिर क्या है, धातु है, कानस बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें किस तरीके से रगड़ा जाता है, और उसके बाद धार आती है, और 5 मिनट में लगभग 2000 आप निपटा देते हैं। तो रोज कितने औजार आते होंगे आपके पास? आता 50-60 आ जाते हैं। ये देखिए कानस बोला जाता है इसे। अच्छा, आई थिंक पत्थर ही है ये। कहाँ मिलता है ये, समुंदर वगैरह में, या कहाँ मिलता है ये? ज्वालामुखी यार, दुकान मिलता है। दुकान में नहीं, पाया कहाँ जाता है, कुछ जानकारी हो आपको कि कहाँ से पत्थर आता है? ये मद्रास से आता है। मद्रास से आता है। तो ये देखिए किस तरीके से पत्थर से औजारों में धार लगाई जाती है। अब हम अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं कि यार मोहम्मद जी का एक और औजार आ गया है। इनकी भी दुकानदारी धड़ल्ले से चल रही है।